वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज दिपेन फ्रॉम पुणे एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टर्बो प्रोटेक. सो इट्स एन ऑयल दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स. हिज नेम इज आशुतोष एंड ही इज फ्रॉम माय डोमिनार ग्रुप. इन फैक्ट वी आर को एडमिन्स. ही इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स एंड देन आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स. सो दैट्स हाउ आई नो और हाउ वी नो इच अदर सिंस 2017. वी बोथ यूज टू ओन 2017 डोमिनार्स अर्लियर, देन आई मूव टू 2019. ही स्टिल ओन्स अ 17 डोमिनार, बट एनीवेज कीपिंग दैट असाइड, ही started manufacturing this Turbo Protek oil, which you know I've already reviewed it once on a Dominar 400, not mine, because mere Dominar mein koi aur oil tha and uska abhi bhi testing chal raha hai, kind of, you know. So we picked up Ludo Official's Dominar. उसको मैंने बोला कि आप अगर टेस्ट कर पाओगे तो आपके और चैनल पे और मेरे चैनल पे दोनों पे वीडियो डाल देंगे. सो विच ही अग्रीड ऑन. ही इज़ गॉट अ 2019 डोमिनार. हिज बाइक इनिशियली हैड लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, यू नो, यूजिंग स्टॉक ऑयल फ्रॉम बजाज और मोतुल. आई थिंक ही इज़ यूज लास्ट, दोनों में से कुछ तो एक यूज़ किया था उन्होंने. उसके बाद उन्होंने ही स्विफ्ट चेंज टू टर्बो प्रोटेक्ट. सो सुशांत भाई के वर्कशॉप पर वी आर चेंज्ड. वैसे अभी वहीं जा रहा हूँ. सुशांत भाई के वर्कशॉप पे ही हम लोगों ने वो ऑयल चेंज किया था, टर्बो प्रोटेक्ट डाला था उसमें. देन ही यूज्ड द बाइक फॉर सर्टेन 100 किलोमीटर्स, लाइक आई थिंक 500 किलोमीटर्स और समथिंग ही यूज्ड. एंड उसके बाद हमने फिर से चलाई गाड़ी, मतलब ही वॉज यूजिंग इट रेगुलरली. उसके बाद मैंने फिर से चलाई, एस के पे हम फिर से मिले एंड देन आई टेस्टेड, यू नो, द बेसिक वाइब्रेशंस वगैरह कम हो जाते हैं कि नहीं, पावर ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ है कि नहीं. तो उसका फीडबैक, यू नो, इफ़ एनी ऑफ यू गाइज आर डोमिनार ओनर्स एंड वॉन्ट टू नो द फीडबैक फॉर डोमिनार स्ट्रेट अवे, यू कैन विजिट हिज चैनल, यू कैन विजिट हिज वीडियो. आई विल लीव द लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन. कमिंग बैक टू माई टी आर के, इन द लास्ट सर्विस वीडियो दैट यू मस्ट हैव सीन, ओके, आई डिड नॉट चेंज द ऑयल टू बेनेली का शेल ऑयल. इनफैक्ट लास्ट 3-4 सर्विसेज आई हैव नेवर यूज्ड शेल का ऑयल, बिकॉज यूजिंग दैट ऑयल इन द टी आर के काफ़ी वाइब्रेशन आते हैं. इनफैक्ट दोज हु ऑल हैव स्विच टू सम अदर ऑयल और हैड बीन यूजिंग मोतुल विल अग्री टू दिस दैट अदर ब्रांड्स लाइक लिक्वी मॉली, मोतुल, compared to the stock shell what the company gives is much better, vehicle performs much better, less vibrations, less heat up and all this stuff. So that's where I picked up Turbo Protek to test in this TRK, and I've been testing that since 13,000 kilometers on the Odo. Right now it is 13,975, so almost 975 kilometers main chala chuka hu with the Turbo Protek. And the oil is exceptional. Why is it exceptional? SK पे चल के बात करते हैं. तो आप लोगों ने अभी गाड़ी चलाते समय सब मेरे से भाषण और इंट्रोडक्शन वगैरह सुन ही लिया है. सो द ऑयल दैट वी आर यूजिंग इज टर्बो प्रोटेक. इट इज़ सिंथेटिक एस्टर बेस्ड मोटर ऑयल, 10W40. अगेन दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेड बाई देम, बट इट्स ऑल ब्लेंडेड इन इंडिया. API SN प्लस S2 जैसो MA A2, ये इसका सब नॉर्म्स है. एंड ये मैं कुछ नो स्क्रोल, आप लोग यू नो पॉज करके पढ़ लेना ये, आई एम नॉट श्योर बिकॉज काफ़ी इसका छोटा राइटिंग है. तो आई वॉज लास्ट टाइम ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर इट प्रॉपरली व्हेन आई वॉज डूइंग द डोमिनार वीडियो, या फिर मैं इसका स्क्रीन शॉट निकाल के यू नो आई पोस्ट इट समवेयर. सो इट इज़ ऑल यू नो एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑयल इज आर लिस्टेड हियर. एंड मैन्युफैक्चरर्स आप पेरेनियल टर्बो, ओके, ये आपको दिख जाएगा सब कुछ. इसका मटेरियल जो है ना, पैकिंग मटेरियल इज मिरर फिनिश, सो इट इज़ लिटिल दिस थिंग. एंड इसका MRP एज फार एज रिमेंबर वॉज 1299 और 1399, बट दिस ऑयल इज यू नो इट, इसके अंदर ही ऑल द नेसेसरी additives are blended inside it only. You don't need to add liquid moly, moss to वगैरह, वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है, polytron डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं. सो liquid moly के साथ उसका आपको additive डालना पड़ता है, या फिर regular oils के साथ आप polytron use करते हो, okay? तो
इस ऑयल के साथ वो सब भी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस ऑयल डायरेक्टली। ओके, तो ये जिनको पढ़ना है ना, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट और आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग। ओके, सी यू कैन रीड इट हियर समवॉट, पॉज करके पढ़ लेना। बाय द वे, दिस कम्स इन 1 लीटर पैक, तो आपको लेने पड़ेंगे 4 बॉटल्स। ओके, एंड यू कैन यूटिलाइज 3.25 ml फ्रॉम दैट, बिकॉज TRK रिक्वायर्स 3.25 to 3.5 liters ऑफ ऑयल। अब इसके बाद में बहुत 2 पुराने क्लिप्स है मेरे, जून के क्लिप्स है, ऑयल कैसे डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब स्टेप्स आपको बताऊँगा उसमें। सो एडिंग द ऑयल, गोल्डन कलर है पूरा, मैं एक हाथ से भर रहा हूँ, एक हाथ से ये कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट शूटिंग कम्प्लीटली, भरने के बाद आई विल कंटिन्यू। दिस ऑयल हैज़ गॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ एडिटिव्स एंड फॉर ऑयल टू स्टार्ट इट्स वर्क एंड ऑल, यू नो, टू मेक इट इफेक्टिव, एज सून एज यू पुट द ऑयल, पार्क द बाइक एंड लिटिल आइडल फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes, सो दैट द ऑयल एंड एडिटिव्स, यू नो, दे सर्कुलेट इन द कम्प्लीट engine, and probably you would find the effect after 100 to 200 kilometers of how the oil smoothens out everything. Same steps, you know, like we had used for Polytron, same way. So oil डालने के video आपने देख लिए, मैंने change कर दिया, 3.25 ml डाल दिया था उसमें। So you have to remember that oil डालने के बाद, you know, let the engine warm up for 5-10 minutes for the first time in neutral, so that the oil spreads in all the areas of the engine and starts performing then and there. You won't see 100% performance right from the beginning. ये oil जो है काफ़ी viscous है, काफ़ी thick है, okay? जिसके वजह से उसका operating temperature is, you know, it kind of takes time. So आप एक approximately 3-4 kilometer चला लोगे, oil गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा oil पतला हो जाएगा, उसके बाद oil will start performing. तो ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन this oil will reduce a hell lot of vibrations from your engine. Your engine will run much smoother. Of course, आपको कुछ power loss वगैरह side effects वैसे कुछ नहीं आने वाले हैं, because grades and all are otherwise same. Nothing, you know, oil is thick, but it is not thick like a gear oil or something. उतना भी thick वगैरह नहीं है, but it is more viscous to understand. टेक्निकल टर्म में विस्कोसिटी जो उसकी, उसका इंडेक्स है जो हाई है. नाउ इस ऑयल की वजह से आपको पता रहेगा कि मेरे बाइक पे काफ़ी R&D हुआ है क्लच की वजह से, जो कि अभी भी हो रहा है. मेरा क्लच रन ड्राई रन हो रहा था. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू बेनेली, यू नो, आई एम गोइंग टू गेट इट चेक, माई सर्विसेज सून ड्यू, नवंबर मंथ में अभी ड्यू है, 26 के आसपास, तो तब जाके चेक करेंगे कि मेरा क्लच अभी भी ड्राई रह रहा है कि वेट रह रहा है. तो मैंने जो क्लच के मॉडिफिकेशंस किए, मैं उस टाइम के आपको यू नो बता दूंगा कि क्या मॉडिफिकेशन हमने किया है, क्यों किया है, क्या इशू था, कैसे सॉल्व किया है उसको वगैरह. बट उस मॉडिफिकेशंस की वजह से जो हमने फर्स्ट टाइम जो चेंज किया था हमने, उसकी वजह से इंजन काफ़ी वाइब्रेट कर रहा था. उसके बाद मैंने दूसरा मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद मैंने ये ऑयल डाला. ये ऑयल डालने के बाद वाइब्रेशंस केम डाउन बाय 75% बिकॉज ऑफ द मॉड्स. ओके, नाउ इफ यू हैव अ स्टॉक इंजन विदाउट एनी क्लच मॉडिफिकेशंस एंड अगर उसमें भी वाइब्रेशंस है, तो योर बाइक इज गोइंग टू रन बटर स्मूथ आफ्टर दैट, ट्रस्ट मी. दिस इज माय ओडो राइट नाउ, 13,985, मतलब ऑलमोस्ट 14,000 ही है. ऑयल चेंज हमने किया था 13,000 पे, जो मेरी 6 सर्विस हुई थी वहीं पे किया था, तो उसी टाइम पे किया था. उसके बाद 1,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है इस 6 महीने में. एक बॉम्बे ट्रिप हुआ था, छोटे मोटे और ट्रिप्स हुए थे, तो वो सब मिला के 1,000 किलोमीटर्स मैंने किए. सिटी में रनिंग हुआ है, सिटी के बाहर रनिंग हुआ है, हाईवे पे रनिंग हुआ है, सब कुछ हो गया है. उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ. ऐसे नहीं कि आशुतोष दोस्त है मेरा तो वीडियो डाल दिया वो बात अच्छा है करके, बट आई टेस्टेड दिस ऑयल क्लियरली फॉर ऑलमोस्ट 985 किलोमीटर्स. उसके बाद मैं आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ. इन द मीन वाइल आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये ऑयल ऑलरेडी टेस्टेड है इन मेनी सुपर बाइक्स, इन डोमिनार, स्मॉल बाइक्स एंड ऑल दिस स्टफ, बट मुझे भी टेस्ट करना था, सो दैट्स वाई इट टुक प्रीटी लॉन्ग फॉर मी टू टेस्ट एंड देन गिव अ फीडबैक.
अगर कोई और यूज़ कर रहा है और जो वीडियो देख रहा है, अगर आपका कुछ फीडबैक है तो वीडियो के कमेंट्स में डाल दो, सो दैट और व्यूअर्स जो आएंगे उनको भी फर्स्ट हैंड आपका फीडबैक मिल जाएगा। विद दैट सेड आई एंड द व्लॉग हियर। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। इफ़ येस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। एंड परचेस लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यू कैन ऑल्सो परचेस इट फ्रॉम SK ऑटो केयर और यू कैन परचेस इट फ्रॉम टर्बो वेबसाइट डायरेक्टली। इन सब के लिंक्स जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। Archbishop, been a school them from when me in a khaki shirt. Liverpool couldn't test the way me rise it up. Quick draw and drop and can't get up. Him no fast enough for my problem that you never solve. Send for the damn race for a firestorm, 'cause I turn into a monster. Ready for